गैलोनोमीटर इनटू एमीटर, ज़रा इसको समझने की कोशिश करिए। गैलोनोमीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करती है, कितने मिली एम्पियर से लेकर के माइक्रो एम्पियर में 10^-8 भी कर लेगी, और माइक्रो से भी कम चलेगा, ठीक है, मिली से माइक्रो के बीच में, ठीक है। कैसे डिटेक्ट करेगी? करंट फ्लो होगी, उसमें जो है वो डिफ्लेक्शन होता है भाई, उसमें कॉयल होती है ना, जो कंस्ट्रक्शन में बताया था उसको दिमाग पे लाइए। तो उसमें क्या होता है, जब आपने गैलोमीटर देखा होगा लैब में रखा होगा, ठीक है, उसमें एक में ए लिखा होगा बीच में, उसको एमीटर कहते हैं, एक में जी लिखा होगा उसको गैलोमीटर कहते हैं, और एक में वी लिखा होगा उसको हम वोल्टमीटर कहते हैं। एग्जामिनर जब आता है माले प्रैक्टिकल वगैरह में तो कहेगा बेटा गैलोमीटर उठा लाओ जरा लैब से, अब आके खड़े हैं, क्या ढूंढ रहे हो? सर गैलोमीटर। उन्हें यही नहीं मालूम गैलोमीटर होता क्या, क्योंकि लैब में कभी जाके प्रैक्टिकल करे तो मालूम हो ना। तो गैलोमीटर क्या होता है भाई, उसमें आपने देखा होगा एक एक स्क्रीन पे बिल्कुल आपको कांच का एक डिब्बा ऐसा दिखाई पड़ेगा, अब हम बना नहीं पाएंगे 3D डायग्राम उसका, ठीक है, और इसमें बहुत सारी स्केल्स बनी होंगी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे उसमें ऐसे बना होगा, इसके बीच में जी लिखा होगा, और कहीं पर माइक्रो एम्पियर वाला होता है, कहीं कहीं पर ये मिली एम्पियर वाला होता है, और सेंटर में इसके जीरो लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के मान लीजिए 3 माइक्रो एम्पियर तक मेजर करेगा, तो यहाँ पर लिखा होगा 3 माइक्रो एम्पियर और यहाँ पर लिखा होगा 3 माइक्रो एम्पियर माइनस का, और ये सुई लगी होगी अधिक से अधिक वो यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो सकती है, क्योंकि अधिक से अधिक वहाँ तक डिफ्लेक्ट ही हो सकती है ना, तो मैक्सिमम कितना वो मेजर कर सकती है भाई? 3 के बाद आपने खूंटी लगा दी है, उसके बाद वो सुई जाके वहीं टकरा जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है, यानी ये इसका कहलाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन FSD कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, यानी अगर हम 3 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा करंट दें तो आप हो सकता है अपने अंदर से पास करा दे, लेकिन वो मेजर नहीं कर सकता ना, क्योंकि 3 के आगे कैपेसिटी मान लिया है भी उसकी थोड़ी बहुत, लेकिन उसके आगे आपने खूंटी लगा दी है, बैरियर लगा दिया है, अगर हमने ज़्यादा ना कर दिया तो ये रेजिस्टेंस की वजह से जल जाएगा, या एकदम से करंट हाई कर दी इतनी जल्दी खूंटी खट से लड़ेगा कि इसकी सुई टूट जाएगी या खूंटी टूट जाएगी। कुल मिलाकर के मिली वाला या माइक्रो वाला ये माइक्रो एम्पियर तक या मिली एम्पियर तक नाप तो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये मेजर नहीं कर सकता, लेकिन हम चाहते हैं मेजर करें, तो हम क्या करेंगे ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए ये है श्रीमान गैलोमीटर। अब आप जानते हैं इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, अभी लिखिएगा नहीं, मेरे को समझा रहा हूँ, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम फिलहाल मान ले रहे हैं जी। ये जी गैलोमीटर कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए, इट इज़ नॉट गैलोमीटर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ऐसे, इसका रेजिस्टेंस है, और इसको करंट मेजर करनी है, और हमने मान लिया कि ये मिली एम्पियर में करंट मेजर करता है, ठीक है, मान लिया 10 मिली एम्पियर कर सकता है या 5 मिली एम्पियर कर सकता है, हमने इसको भेजा 5 मिली एम्पियर, ये 5 मिली एम्पियर आराम से कर लेगा, क्योंकि इसके स्केल में यहाँ से 10 मिली एम्पियर से लेकर के 10 मिली एम्पियर से लेकर के और -10 मिली एम्पियर तक लिखा होता है, माइनस लिखा नहीं होता है, अंडरस्टूड है, ये डिफ्लेक्शन इधर जाएगा -10 से +10 के बीच में, तो 5 मिली एम्पियर होगा तो सुई यहाँ कहीं जाके रुक जाएगी, ठीक है। हमने इसे कहा कि भाई साहब 100 मिली एम्पियर नापोगे, नाप दो यार इतना नहीं हो पाएगा, अरे कोई मेरा 10 किलो वजन कर सकता है और उसको आप 70 किलो का वजन कर दो, लाद लेगा, देख करके उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, यही इसकी हालत होती है। तो हम इसको अच्छा, चूँकि बड़ा सेंसिटिव होता है तो हम इसको कैसे यूज़ कराते हैं, इसके पहले एमीटर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एमीटर क्या होता है? किसी सर्किट में नींद आ रही क्या भाई साहब? नींद आ रही क्या? दिक्कत है सब्जेक्ट जो ऐसा है ना, अब ये कोई वो तो है नहीं कि जैसे पिक्चर कहीं होती है उसमें एक डांस होता है, हीरोइन आके डांस करती है, उसे कौन सा डांस कहते हैं? आइटम डांस कहते हैं, कहते हैं ना, नहीं उसमें तो जनरल बात हम कर रहे हैं, तो पिक्चर खराब भी है तो डांस के लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई ये तो है नहीं कि अभी हम पढ़ाते पढ़ाते शुरू हो जाएंगे, ओ पता चला कुछ कैंसर पढ़ा रहे थे 5 मिनट सर ने भी बढ़िया डांस वांस किया, ये तो अब इसमें ना तो हंसी आती है, वो हम जबरदस्ती की जुगड़ाई कर लें तो अलग की बात है, लेकिन इसमें हंसी नहीं आती, इसमें बड़ा सीरियसनेस है, सीरियस है, वो हम जबरदस्ती जोकड़ बन के थोड़ा बहुत
है वो कर लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, क्या हो गया? अपने आप अभी बढ़ गई है, पहले तो हिमालय पे हो के आए होगी। चलिए आते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम चलो सही हो जाएगी। थोड़ा रामदेव की वो कपालभाति किया करो, हमारा क्या करो, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए अपने आप सही करिए, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, एमीटर की बात करते हैं पहले। किसी सर्किट में जो एमीटर होता है, मान ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो रही है, एमीटर को हम किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। पूरी की पूरी करंट इस एमीटर से पास होनी चाहिए, तो एमीटर के अंदर से जब करंट पास होगी तो एमीटर के अंदर भी तो कॉयल होगी, उस कॉयल में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो थोड़ी बहुत करंट इसमें नुकसान नहीं हो जाएगी? नहीं। अब अंदर से भेजे 10 एम्पियर, बाहर निकली 7 एम्पियर, 3 एम्पियर कहाँ गई? कहना अंदर है मीटर, चाचा अपनी जेब में रख लिया, चोरी कर ली ने। तो एमीटर का रेजिस्टेंस हम कितना रखते हैं? जीरो। कोशिश करते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो? जीरो। फिलहाल जीरो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, तो एमीटर की कोशिश करते हैं बहुत ही माइन्यूट रेजिस्टेंस इसका कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर यहाँ हमको लगाना हो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है, और हमको नापना है 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर से ही नपवाना है, तो हम करते कैसे समझिएगा इसका कंसेप्ट क्या है। अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। ये है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है। मान लेते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन बना हुआ है, और गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं 1 मिली एम्पियर से लेकर के इधर इसके बीच में मेजर कर सकता है, ये है रेजिस्टेंस। और हमने यहाँ से भेजा 100 मिली एम्पियर, क्या ये मेजर कर सकता है? क्या ये मेजर कर सकता है? अगर हम फिर भी इसमें पास करा दें हम 100 मिली एम्पियर, तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, ये टूट जाएगा, जल जाएगा, कुल मिला के काम नहीं करेगा, ठीक है। देखते हार्ट अटैक इसके हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं करंट को दूसरा रास्ता दिया जाए। तो करंट कौन सा रास्ता पसंद करती है? करंट दो रास्ते करती है, या तो शॉर्टेस्ट पाथ हो या तो लो रेजिस्टेंस हो, जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम हो उधर ही करती है, ठीक है। जैसे आप कहीं पढ़ने गए और वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, मतलब आपसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, आप बदतमीजी भी कर रहे हैं, चुटकी भी काट रहे हैं, एक दूसरे के लात भी मार रहे हैं, वेरी गुड। अब यहाँ जरा सा भी हिलाए पर पापा मम्मी चरस बोएं, तो ऐसा अच्छा व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति रेजिस्टेंस वाला अच्छा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाहर से एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक तार लगा देते हैं, वेरी लो, वेरी 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 लो रेजिस्टेंस, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या है, वेरी वेरी, पूरा बोर्ड भर दो वेरी से, वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। मैंने ये आर रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये मेजर कितना करता है, 1 माइक्रो एम्पियर, तो इसने तो ले लिया 1 मिली एम्पियर, और 99 मिली एम्पियर हमने इस रास्ते से भेज दिया, ठीक है, और यहां पर जाके करंट मिल गई। फिर इसको कहते हैं शंट, क्या कहते हैं? शंट, इसको शंट कहते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकली जरा समझिएगा, अब आप कहेंगे ये बताइए श्रीमन ये डिफ्लेक्शन कितना करेगा, 1 मिली एम्पियर से इधर 1 मिली एम्पियर, तो सुई कितना दिखाएगी, 1 मिली एम्पियर, और आप कह रहे हो नापना कितना है, तो 100 नपेगा कैसे, ये तो मालूम होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, हम इसका रेजिस्टेंस लेते हैं जी, और इसका रेजिस्टेंस लेते हैं आर, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी सर्किट में करंट रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होती है, हम इस तरीके से रेजिस्टेंस एडजस्ट करते हैं कि 1:99 का रेशियो हो जाए, यानी 1% इधर जाए और 99% उधर चली जाए, ठीक है। तो अगर 1% इधर गया है तो 100 का 1% कितना हो गया, 1, तो हम समझ गए ये कितना नाप रहा है, 1% नाप रहा है, यानी कितना नाप रहा है, किसी चीज का 1% नाप रहा है, 1, यानी एक्चुअली वो कितना नाप रहा है, कितनी कट रही होगी, नहीं समझे। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी चीज का 1% नाप रहे हैं, वो 1 है, तो वो चीज कितनी थी, 100 थी ना। अगर मैं कहूं कि आप जिस चीज को मेजर कर रहे हैं वो किसी भी चीज को मेजर करने का 1% है, तो आप कितना मेजर कर रहे हैं,
यानी आप जब वन मेजर करेंगे तो हम क्या समझ जाएंगे कि बाहर से कितनी चीज आई होगी, तो हम यहां क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे हम 100। एक्चुअली ये डिफ्लेशन कितना हो रहा है, वन का हो रहा है, लेकिन हमने रेशियो इस प्रकार से रेजिस्टेंस का सेट किया है कि आप 1% मेजर कर रहे हैं, तो हम समझ गए बाहर 100 मिली एम्पियर रही है, तब आपने 1 मिली एम्पियर मेजर किया। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो आप स्केल 1 मिली एम्पियर भी जाएगी, हमने उस 1 को लिख क्या दिया है 100। संट को इस तरह एडजस्ट करेंगे, अपने रेशियो को ऐसा कैलकुलेट करेंगे हम कि 99% चली जाए। भाई आप जानते हैं करंट रेजिस्टेंस के रेशियो में जाती है ना, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको मालूम है, 100 मिली एम्पियर हमको नापना ये भी मालूम है, इस गैल्वेनोमीटर की औकात भी हमको मालूम है कि 1% मेजर कर सकती है। तो यानी कि इधर 99 मिली एम्पियर जाए उसके लिए आर को एडजस्ट करेंगे हम, मतलब उस तरीके का रेशियो निकालेंगे, ऐसे नहीं अपने आप लगा दिया। अगर ये 1 ओम है तो हम कहेंगे ये 90, ये जरा 0.0001 ओम कर देंगे तो 99 एम्पियर ये जो है मिली एम्पियर झेल ले जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई है? नहीं, हो नहीं सकता है, ये हम करेंगे, ये हो नहीं सकता है, ये हम कैलकुलेट करके रखते हैं। हमने क्या कहा, मैंने कैलकुलेट किया भाई, ये कैसे पूरा हो जाएगा? हमारा रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होता है करंट, करंट अपना मनमानी नहीं करती है, करंट एक हमने कहा करंट रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होती है, पढ़ा है ना? आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट हैं और दो पॉइंट के बीच में आपने एक बैटरी लगा दी है ना, और इस दो पॉइंट में आपने ऐसे क्या डायग्राम है, थोड़ा अच्छा बना दें, हम सोच रहे हैं डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस किससे करें, विजय प्रताप से कहें सिखाओ डायग्राम बनाना। ये एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और इनको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। अब बताओ दोनों रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या अलग अलग है? इस रेजिस्टेंस का ये एंड यहाँ से जुड़ा है, इसका ये एंड यहाँ जुड़ा है, इस वाले का ये एंड यहाँ जुड़ा है, इसका एंड यहाँ जुड़ा है, दोनों में पोटेंशियल सेम है क्या अलग अलग है? सेम है। रेजिस्टेंस इसका आर वन है, इसका आर टू है, करंट यहाँ से आई ब्रेक हुई तो यहाँ दो भागों में ब्रेक हो जाएगी, इधर हो गई आई वन, इधर हो गई, तो आप देख रहे हैं कि आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू, तो आई वन अपान आई टू इज इक्वल टू आर वन अपान, तो आप जानते हैं करंट रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होती है। तो हमको चूंकि यहाँ पर 1% के हिसाब से करना है ना कि 1% इसमें जाए और रेस्ट उधर चली जाए, तो उसी प्रकार से रेजिस्टेंस हम डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? हाँ, जो भी है आर टू पर आर वन कर दीजिए, मतलब कुल मिलाकर रेजिस्टेंस के रेशियो में समझ में आ गई बात ना, कैसे हम ब्रेक करेंगे। तो ये फंडा समझ में आया कि नहीं आया? मैथमेटिकल तो भी हम समझाएंगे। तो अच्छा, ये जो शंट है ना, ये शंट की बात जो अंग्रेजी साइंटिस्ट ने किया है, हमारे घर वाले दादी बाबू पहले से मालूम था। कोई बात होती है आप कहीं सुन के आए, पूरा का पूरा यहाँ से सुन लिया, पूरा का पूरा सब सुन के भर के आए, और मम्मी चाची कह रही थी, चाची ये भी कह रही थी, चाची ये भी कह रही थी, चाची ये भी कह रही थी, वो है एमीटर। क्या है? पूरी करंट भर ली, 10 बातें बता दी, फिर खाना खाए, अरे बोले हाँ ये भी कह रही थी, ले ये कौन है जो पूरा का पूरा यहाँ से पास करा दिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आज हम गए थे, चाची बड़ा अंटसंट बक रही थी, ऐसे बोलते हैं ना अंटसंट। तो अंटसंट का मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने वो बात सुनी पूरी? नहीं नहीं, अंटसंट का मतलब साइंस है, उसका मतलब उसने ये बात ऐसे सुनी है, ये उसका गैल्वेनोमीटर था, ऐसे पूरी बात नहीं यहाँ से एंट्री कराई, उसने थोड़ी बात यहाँ से एंट्री कराई, थोड़ी सी बाहर से निकाल दी, उस अंडरसेंट बक रही थी। अब मम्मी अपने आप आइडिया लगा ले जाती हैं कि वो अंडरसेंट में क्या क्या हो सकता है, ये दादी के लिए कह रही होंगी, उनके लिए कह रही होंगी, हमारे यहाँ कार है इसके लिए कह रही होंगी, हमारे घर गृह प्रवेश है इसके लिए, नहीं मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो अंडरसेंट समझ में आई बात नहीं आई? यानी हमारे बुजुर्गों को, हमारे दादी बाबा को ये साइंस का कॉन्सेप्ट पता था, ये मैथमेटिकल, अब करें हम लोग कोई इंटेलिजेंट नहीं थे क्या? अब जरा देखो क्या होगा इसमें, ये है मिस्टर गैल्वेनोमीटर, ये है इसका रेजिस्टेंस, है ना, अब हम डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएंगे, सुई लगी है, ये लगी है, कूटी लगी है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया है, कैपिटल जी, कैपिटल जी इज नॉट गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसमें करंट फ्लो करानी है, इसकी औकात कितना नापने की है, आई जी, और हमको कितना फ्लो कराना है, आई, पूरी की पूरी करंट इसके अंदर से पास करा देंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। जैसे तीन
अब आप कहेंगे अच्छा ये बताइए 3 मिली एम्पियर नाप सकता है, अगर 4 मिली एम्पियर कर दें क्या इतना 4 भी नाप सकता है? लेकिन खूंटी कहाँ लगी है? 3 3 के आगे वो सुई नहीं जाएगी तो क्या करोगे तुम भाई? फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही 3 है, तो 3 तक नाप सकता है, तो 3 नापो चाहे 2 नापो चाहे 1 नापो, 4 नाप सकते हो, शायद ना जले वो, शायद 100 में भी ना जले वो, लेकिन नापेगा कितना वो 3, ठीक है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा करंट उसको दे दी, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक शंट लेते हैं, शंट वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, और आप जानते हैं करंट कौन सा रास्ता चुनती है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम हो, वैसे ही आप लोग भी रास्ता चुनते हैं जिसमें विरोध आपका कहीं ना हो रहा हो, वो आप रास्ता चुनते हैं, नहीं सभी लोग चुनते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो इधर करंट कितनी चली जाएगी, आई माइनस आई जी, और ये यहाँ भी करंट, ये आर रेजिस्टेंस है, और यहाँ दोनों आगे फिर आई हो जाएंगे, समझ में बात नहीं है। अब अभी हम बता चुके हैं आपको जब ये आई जी मेजर करेगा तो ये आपको आई दिखाएगा कैसे, वो एक्चुअली हम कैलकुलेशन करके बताएंगे कि 1% अगर 1 मिली एम्पियर है तो इसका मतलब 1% कितने का होता है 100, यानी जब 1 मेजर कर रहा है तो एक्चुअली कितनी करंट आ रही है, यहाँ से कितनी करंट गई होगी, तो हम उसी 1 को खूंटी का नाम क्या दे देंगे 100 दे देंगे, जाएगी 1 ही मिली एम्पियर उसमें, लेकिन हम उसका नाम दे देंगे कि बाहर से ये 100 रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें बैटरी ऐसे लगाए हूँ, अगर लगाइएगा नहीं आप, अगर ये बैटरी ऐसे लगाए हूँ तो बताइए अगर ये इसका वी वोल्टेज किया हो तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है कि नहीं है, यानी इधर के रास्ते का और इधर के रास्ते का पोटेंशियल सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, तो यानी कि अगर इसके रास्ते का पोटेंशियल निकालें तो कितना होगा जी इंटू आई जी, यही होगा, और इसके रास्ते का निकालें कितना होगा, अब बैटरी हटाए दे रहे हैं क्योंकि रास्ता ज़्यादा ले रही है, बैटरी समझाने के लिए को लगाई थी हमने, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू आर। अब आपको जो भी निकालना है यहाँ से निकाल लीजिए, अगर वो आपसे कह रहे हैं कि भाई कितना रेजिस्टेंस हम लगाएं तो आर की वैल्यू निकाल लो, आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी आर निकाल लो। अगर आपसे कहें भाई ये बताओ कि कितनी करंट हमने इसमें निकाली आई निकालो, तो आई यहाँ से निकाल लो, नहीं समझे, इसमें जो चीज़ अननोन होगी वो आप निकाल लेंगे, तो ये कैसे निकलेगा अगर हमको या इसमें निकालना हो तो जी इंटू आई जी इज इक्वल टू आई इंटू आर माइनस आई जी इंटू आर, इसको इधर ले आओ तो आएगा जी प्लस आर इंटू आई जी अपान आर, ये करंट निकल आएगी, तो जो अननोन वैल्यू न्यूमेरिकल में होगी वो लगा देंगे निकाल लेंगे। तो समझ में आएगा गैल्वेनोमीटर कैसे एमीटर तरह काम करता है, नोट करिए इसको भाई, ये वो यहाँ से आई जी अंदर जा रही है तो ये आई जी ही मेजर करेगा ना, आई कैसे मेजर कर लिया, तो वो हम कैलकुलेशन पहले से करके रखते हैं कि आई जी बोले तो 1% ऑफ आई, तो 1% अगर 1 मिली एम्पियर है तो हम मान लेते हैं कि उधर से करंट कितनी आ रही होगी 100, तो हम उसमें कॉलम ही 100 बना देते हैं, तो 100 का मतलब वो 100 नहीं मेजर कर रहा है, वो हमने कहा है कि जो 1 आएगा वो 1% ऑफ 100 है, इसलिए उसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। देखो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर तरह कैसे काम करता है, अब आप कहेंगे कोई चीज़ वोल्टमीटर तरह काम कैसे कर सकती, क्यों नहीं कर सकती है, एमीटर भी तो वोल्टमीटर तरह काम कर सकता, नहीं कर सकता, आप सुनिए ज़्यादा ध्यान से, हम कहते हैं एमीटर में करंट फ्लो हो रही है, एमीटर के अंदर एक वायर है, अगर मैं उस वायर का रेजिस्टेंस दे दूं, एमीटर से जाने वाली करंट दे दूं और वोल्टेज निकालूं तो वी बराबर आई आर नहीं निकल आएगा, तो आप निकाल नहीं सकते वोल्टेज कितना है, निकाल सकते हो ना, तो यानी ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है ये भी वोल्टेज मेजर कर सकता है, कैसे भाई, इसमें ये करंट फ्लो हो रही ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लो हो रही है, ये मिली मान लिया 1 मिली एम्पियर इधर है, 1 मिली एम्पियर इधर है, ये 0 है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है जी, तो अगर हम वोल्टेज निकालें कितना होगा, अगर ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो कितना मेजर कर रहा है ये 1 मिली एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है मान लेते हैं 1 ओम है, तो 1 × 1 मिली एम्पियर यानी कि 1 मिली वोल्ट हुआ, वी निकल आया नहीं निकल आया, तो 1 मिली वोल्ट से मेजर कर लेगा, हमने कहा 100 वोल्ट मेजर करके दिखा, तो 100 वोल्ट मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो करंट हम बढ़ा दें या तो रेजिस्टेंस हम बढ़ा दें, अगर मैं करंट इसमें बढ़ाता हूँ तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, बोले दादा दूर से प्रणाम, तो हम क्या करेंगे इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, सीरीज में या पैरेलल में, होता क्या है देखिए प्रैक्टिकली समझिएगा,
होता क्या है, जब करंट यहां से पास हो रही है ना, तो हम बीच में रेजिस्टेंस हाई लगा दें तो यहां पर थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। भाई ये तो 1 मिली वोल्ट ही मेजर कर रहा है ना, ये 1 मिली वोल्ट ही मेजर करेगा। रास्ते में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो जब उसे करंट पास होगी तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस की वजह से वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, अब ये हमको आइडिया लगानी है कि कितना ड्रॉप करता है। अगर मान लिया 100 वोल्ट है, ठीक है, और ये 99 वोल्ट ड्रॉप करता है और वहाँ 1 वोल्ट पहुँचाता है, तो अगर ये 1 वोल्ट मेजर कर रहा है तो हमको रास्ते में कितना ड्रॉप हुआ हमको मालूम है। हमको मालूम है ये 1% मेजर करता है, यानी ये 1 वोल्ट मेजर करता है। तो 1 वोल्ट मतलब सप्लाई कितने की रही होगी, तो हम उस 1 वोल्ट की मार्किंग को क्या बनाएंगे, समझ में ही बात नहीं। तो पहले आप बात करते हैं वोल्ट मीटर काम कैसे करता है, पहले वोल्ट मीटर के बारे में बात करते हैं काम करता कैसे। देखिए ये एक सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रही है और ये एक रेजिस्टेंस है और ये एमीटर है जो कि सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, अब आपको जिन दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है उसके बीच में वोल्टमीटर लगाते हैं। अगर आपको इसका ईएमएफ मेजर करना होता है तो आप वोल्टमीटर ऐसे लगा देते हैं, ये ईएमएफ मेजर करता है ना, शर्त है करंट ड्रॉ ना हो रही हो। आपको याद हो हमने बताया था अगर करंट ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो बैटरी के अंदर एक खासियत होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके आयंस आपस में टक्कर करते हैं, तो टक्कर की वजह से थोड़ा बहुत पोटेंशियल वहाँ पर यानी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो उतना पोटेंशियल मिलता नहीं है। ये काम कैसे करता है, देखिए करंट ऐसे फ्लो होगी ना, इसके अंदर करंट जाएगी, जब करंट जाएगी नहीं तो वोल्ट मीटर में क्वाइल होती है ना, क्वाइल मैग्नेटाइज होगी और मैग्नेटाइज होती कैसे है, करंट से, तो करंट तो जाना पड़ेगा। और अगर करंट इसके अंदर चली गई तो इसके रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि करंट उतनी जाए कि इस वोल्ट मीटर की क्वाइल को केवल मैग्नेटाइज कर दे हल्का सा, बस वो डिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हम इसका रेजिस्टेंस कितना रखते हैं, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, ये तो आइडियल कंडीशन है ना, तो इसका इतना हाई रेजिस्टेंस रखते हैं कि करंट इस रास्ते जाने से भी डरे, जैसे मुड़ी ओ बेटा उधर मत जाना, इधर इधर उधर बहुत बड़ा नाला है। ठीक है, लेकिन अब उस नाले में कुछ कोई नहीं जाएगा तो काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा एक आध बुजुर्ग चले जाते हैं, तुम लोग जाओ बेटा हमें देश के लिए कुर्बान होता हूँ, वो जाके इसके अंदर चले जाते हैं और इसको मैग्नेटाइज कर देते हैं। ठीक है, बहुत 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 लेस करंट इसमें जाती है और ये वोल्टेज मेजर करता है। तो वही गैलोमीटर का काम करना होता है। तो देखिए गैलोमीटर कैसे काम करता है, हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, ये एक रेजिस्टेंस वायर है, इसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, किसकी मदद से, गैल्वेनोमीटर की मदद से। तो हमने क्या किया, रास्ते में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, थोड़ा अच्छी सेहत का बना लो, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें भी क्वाइल होती है, इसका रेजिस्टेंस कितना है जी, इसके सीरीज में एक हमने एक बहुत हाई रेजिस्टेंस आर एस लगा दिया, बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो कोई दिक्कत नहीं, पहले लगा दो बाद पहले उससे कोई मतलब नहीं है, और इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। अब बताओ इस गैल्वेनोमीटर का आपको किसके किसके बीच में जोड़ा है, ए बी के बीच जोड़ा है ना, इसमें करंट कितनी पास होनी है, आई जी, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है ना, तो आई जी इंटू आर कितना हो जाएगा, जी प्लस एस। देखो आई जी इंटू जी पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था ना, लेकिन मिली वोल्ट में दे रहा था, अब जब एस प्लस कर दोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, एस को जितना ज़्यादा प्लस करोगे वी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमको वोल्टेज अपने आप निकल आएगा। इसका हम कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना करेगा, जितना ड्रॉप करेगा बचा हुआ पोटेंशियल ये मेजर करेगा, तो हम जान जाएंगे भाई साहब 1% मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब 100% ये बात रही होगी। ठीक है, ये कुछ लोग कुछ बताते हैं, कैन वर्क इज कंप्लीट, कैन सर वन एक्सरसाइज कंप्लीटेड, समझ लो एक क्वेश्चन किया है इसने, टीचर आइडिया लगा लेता है किसने एक क्वेश्चन किया होगा, कॉपी नॉट ब्रॉट, समझ जाता है कॉपी नॉट ब्रॉट का मतलब होता है वर्क नॉट डन। हाँ वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज ड्रॉप ये कर देगा, यहाँ लगा दो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस तो पूरे सर्किट का कैलकुलेट होता है ना, जब करंट जाती है तो पूरे सर्किट को, पहले ये करंट यहाँ खड़ी होती है, ओ कितना रेजिस्टेंस है ऐसे मतलब देखती होगी, अब जो भी उसका सिस्टम रहता होगा अपना, उसके जो
सिपे सालार रहते होंगे, जो भी सिस्टम है ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।